हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 7 सॉल्व करेंगे। देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। संक्रिया दी गई होगी, कुछ संक्रिया मतलब हमारे पास कोई भी दो अवयव होंगे, जैसे ए और बी दिया है और उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन बताया गया होगा, तो इसी को हम संक्रिया बोलते हैं। लिखा है कि ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, अर्थात ए और बी का हमें करना क्या है, उनको सब्स्ट्रैक्ट करना है, आपस में माइनस करना है। तो ये संक्रिया तो ये हर बार बदलती रहेगी, ए प्लस बी हो सकता है, ए इंटू बी होगा, ए अपॉन बी हो सकता है, ए बी स्क्वायर होगा, तो कुछ भी रिलेशन दिया हुआ होगा वो इस संक्रिया पर ही आधारित होगा। अच्छा, ये द्विआधारी संक्रिया होती है। द्विआधारी संक्रिया मतलब ये क्रम द्विआधारी, दो अवयव होंगे और ये क्रम विनय और साहचर्य दोनों नियमों का पालन करती होगी, कुछ इस प्रकार से हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए। सबसे फर्स्ट दिया है जेड प्लस में ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया। देखिए जेड किसका समुच्चय होता है, जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है, लेकिन उसने कहा जेड पॉजिटिव यानी कि प्लस के सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय यहाँ पर लिया गया है। अब धनात्मक पूर्णांक लिए हैं तो ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी उसने कहा है। अब देखिए जेड धनात्मक में ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी दिया है। यदि ए बड़ा है बी से, मान लीजिए मैं ए की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो ए संक्रिया बी बराबर क्या होगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू करेगा जेड पॉजिटिव में, भाई हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 2 2 पॉजिटिव 2 मिला जो इस समुच्चय में पाया जाता है। लेकिन यदि ए लेस देन बी है, अगर हम 3 और 6 ले लें तो क्या आएगा, ए संक्रिया बी इक्वल 3 माइनस 6 विच इज माइनस का 3 और माइनस 3 इस समुच्चय में पाया नहीं जाएगा। इसका मतलब अतः संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट है, जेड पॉजिटिव दिया है, जेड पॉजिटिव उसने कहा ए संक्रिया बी बराबर ए बी, इस बार ये गुणन द्वारा प्रदर्शित की गई है, तो गुणन हुआ तो जेड पॉजिटिव में ए संक्रिया बी बराबर ए बी दिया है। अब देखिए यदि ए कोमा बी जेड पॉजिटिव में बिलोंग करते हैं, इस समुच्चय में बिलोंग्स कर रहे हैं, ए और बी की कोई भी वैल्यू हो जो इसके अंतर्गत ली गई है, तो जाहिर सी बात है उनका गुणन भी इसी समुच्चय में पाया जाएगा। आप कैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 3 करें, 3 × 4 करें, 4 × 5 करें, आगे पीछे कैसे करके मल्टीप्लाई कर लूं, तो अगर वो दोनों के दोनों अवयव इस समुच्चय के हैं तो उनका गुणन भी इसी समुच्चय में पाया जाएगा। अतः यह संक्रिया कैसी हुई, एक द्विआधारी संक्रिया है। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट में कहा कि आर में ए संक्रिया बी बराबर ए बी का स्क्वायर दिया है, यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहा और उसकी मल्टीप्लाई हुई सेकंड के स्क्वायर से, ए एज इट इज रहा और उसकी मल्टीप्लाई हुई बी के स्क्वायर से, तो क्या बना, ए बी स्क्वायर बना। अब ये भी इसी प्रकार से परिभाषित है कि आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो यदि ए और बी दोनों मान आर में पाए जाते हैं तो उन पर जो संक्रिया है वो भी आर में ही पाई जाएगी। यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तब ए संक्रिया बी बराबर ए बी स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रिया कैसी हुई, द्विआधारी संक्रिया। इसी प्रकार फोर्थ पॉइंट है, जेड पॉजिटिव में ए संक्रिया बी बराबर मोड में ए माइनस बी दिया गया है। अब देखिए मोड अगर ए माइनस बी दिया है तो उसका मतलब क्या होगा, मैं ए बड़ा होगा या बी बड़ा हो, रहेगा तो फिर भी पॉजिटिव ही, भाई हमने लिखा यहाँ पर 2 − 4 तो प्लस का 2 आएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, और 4 − 2 करता हूँ वो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो क्या हुआ, हर प्रकार से जो वैल्यू होगी वो इसी समुच्चय में पाई जाएगी यदि ए और बी इसी समुच्चय से लिए गए हैं, तो ये भी क्या रहा, एक द्विआधारी संक्रिया बनती है। इसी का फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में दिया है जेड पॉजिटिव में ए संक्रिया बी बराबर ए, सिर्फ दोनों में से एक गायब हो गया तो क्या हुआ, ए संक्रिया बी बराबर ए मिला। अब देखिए यदि ए और बी जेड पॉजिटिव में हैं तब ए संक्रिया बी भी जेड पॉजिटिव में ही पाया जाएगा, तो संक्रिया कैसी हुई, द्विआधारी संक्रिया बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या संक्रिया क्रम विनय में है तथा क्या संक्रिया साहचर्य है। क्रम विनय में और साहचर्य दोनों की जांच करनी है। तो ये सबसे पहले दिया है जेड में ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी, जेड क्या हुआ, पूर्णांकों का समुच्चय रहा, तो यदि ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी है तब बी संक्रिया ए बराबर बी माइनस ए होगा। देखिए बी संक्रिया के हमने क्रम विनय में कर दिया, क्रम को बदल दिया, तो ए संक्रिया बी था अब बी संक्रिया ए हुआ, तो ए संक्रिया बी पर ए माइनस बी था तो बी संक्रिया पर बी माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए चूंकि ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए, ये तो इक्वल नहीं होंगे, तो अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यह संक्रिया क्रम विनय में नहीं है। तब
हम बात करते हैं साहचर्य की। साहचर्य हम तीन अवयव को लेते हैं, ए बी और सी। तो हमने ए संक्रिया, बी संक्रिया, सी। सबसे पहले बी और सी में उस संक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, फिर जो आएगा उसका रिजल्ट ए के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो यह आ जाएगा ए संक्रिया बी संक्रिया सी का मतलब बी माइनस सी। उसी के हिसाब से हो गया भाई, ए माइनस बी था, पहले में से दूसरे को माइनस करो, तो पहले में से दूसरे को माइनस करो। अब यहाँ पर पहला ए है और दूसरा बी माइनस सी है, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। भाई पहले में से दूसरे को माइनस करो, तो ए माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ए माइनस बी माइनस का हो गया और सी प्लस का हो गया, ये आंसर आ गया। फिर इसी में ही अब ए संक्रिया बी संक्रिया सी ले लें, इस बार ब्रैकेट हमने ए और बी पे लगाया, फिर सी को छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए माइनस बी और संक्रिया सी, पहले में से दूसरे को माइनस किया, ए माइनस बी संक्रिया सी। अब पहला ये और दूसरा ये, तो इस पूरे में से सी को माइनस करूंगा, तो ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए चूंकि साफ साफ पता चलता है कि ए माइनस बी प्लस सी इक्वल नहीं है ए माइनस बी माइनस सी के, तो इसका मतलब ये संक्रिया क्या हुई, साहचर्य भी नहीं है। अब इसी का सेकेंड पार्ट उसने दिया, क्यू में ए संक्रिया बी बराबर ए बी प्लस वन। क्या हुआ कि ए और बी की मल्टीप्लाई हुई और उसमें वन ऐड हो गया, तो ये हम संक्रिया को ऐसे ही लेकर चलेंगे। अब बी संक्रिया ए निकालूं तो क्या हो जाएगा, बी और ए की मल्टीप्लाई और उसमें एक ऐड हो गया, वन ऐड हो गया। अब देखिए बी ए हो या ए बी हो, बात तो एक ही है, तो इसका मतलब संक्रिया कैसी रही, ये क्रम विलयन है। अब इसी का साहचर्य की जांच करें, तो सबसे पहले ए संक्रिया बी संक्रिया सी, बी और सी पर ब्रैकेट आ गया, तो ए तो एज इट इज रहा। अब क्या आ जाएगा, ए संक्रिया दोनों की मल्टीप्लाई और वन इसमें जुड़ जाएगा, तो बी सी प्लस वन हो गया। अब हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकेंड एलिमेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और वन ऐड होगा, तो ए इंटू बी सी प्लस वन और प्लस वन हो गया, जैसी हमारी प्रॉपर्टी संक्रिया दी गई थी। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए, वन से मल्टीप्लाई होगी तो ए, और ये प्लस वन एज इट इज रहा। अब ब्रैकेट को हटा दें, इधर लगाएं, तो ए संक्रिया बी फिर ब्रैकेट आ गया और संक्रिया सी, तो पहला और दूसरा दोनों की मल्टीप्लाई और वन जुड़ जाएगा, फिर संक्रिया सी रहा। फिर ऐसे ही यहाँ ये पहला और ये दूसरा दोनों की मल्टीप्लाई, तो ए बी प्लस वन इंटू सी और प्लस वन जुड़ गया। अब इसकी सी की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस वन से मल्टीप्लाई होगी तो ये सी आ जाएगा, ये सी हो गया और ये प्लस वन रहा। अब देखिए दोनों के दोनों क्या रहे, आपस में इक्वल नहीं है, अर्थात संक्रिया हमारी साहचर्य नहीं है। नाउ इसी का थर्ड पॉइंट है, क्यू में ए संक्रिया बी बराबर ए बी अपॉन टू, ये दिया गया है। अब ए बी अपॉन टू है तो जांच कर लेते हैं इसके क्रम विलयन होने की, कि बी संक्रिया ए बराबर ए संक्रिया बी, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई और अपॉन में टू रखा गया, तो वहां पर भी वही दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में टू रखा। अब देखिए ए बी अपॉन टू या बी अपॉन टू, बात तो यही है, तो ये क्या रहा, क्रम विलयन में है। अब इसकी साहचर्य की बात करें तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी, सबसे पहले बी और सी की मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड हो गया, तो ए एज इट इज रहा, बी सी अपॉन टू हो गया। अब ये फर्स्ट एलिमेंट और ये पूरा का पूरा सेकंड एलिमेंट, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और फिर अपॉन में टू रखेंगे, तो ए इंटू बी सी अपॉन टू होल अपॉन टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन टू इंटू टू फोर हो गया। अब ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो ए इंटू बी अपॉन टू, पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड हुआ। अब पहला ये एलिमेंट और दूसरा ये एलिमेंट, तो दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि ए बी अपॉन टू इंटू सी और होल अपॉन टू, या ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन टू इंटू टू फोर। देखिए दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या रहा, संक्रिया साहचर्य है। नाउ इसका फोर्थ पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट में दिया है जेड पॉजिटिव में ए संक्रिया बी बराबर टू की पावर ए बी, यानी कि दोनों की दोनों जो संक्रिया थी अवयव थे वो ए और बी, वो उनकी मल्टीप्लाई हो रही टू की पावर में ऐड पहुंच गए, इस प्रकार से संक्रिया में दी गई है। तो संक्रिया ए संक्रिया बी बराबर टू की पावर ए बी, अब इसी को पलट दें, बी संक्रिया ए करें तो टू की पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएंगे बी ए। अब देखिए ए बी हो या बी ए, बात तो एक ही है, इसका मतलब संक्रिया क्या रही, क्रम विनय में हो गई। अब इसी की साहचर्य की जाँच करें, तो साहचर्य में क्या दिया हमें कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी, बी संक्रिया सी आ गया, इक्वल क्या होगा, ए संक्रिया एज इट इज रहा, दोनों की मल्टीप्लाई हुई और टू की पावर में पहुंच गए, तो टू की पावर में बी सी आ गया। अब इसी प्रकार ये पहला एलिमेंट है और ये पूरा का पूरा दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी और दोनों टू की पावर में पहुंच जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, टू की पावर ए इंटू टू की पावर बी सी, ए इंटू टू की पावर बी सी, ये हो गया। फिर ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो ए की बी से मल्टीप्लाई और टू की पावर में पहुंच गए, तो टू की पावर ए बी और संक्रिया सी। अब ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी और टू की पावर में पहुंच जाएंगे, तो टू की पावर
टू की पावर ए बी और ये इंटू सी। देखिए पावर के साथ ए बी की इंटू सी नहीं है, टू इंटू सी है, टू और इंटू सी और टू की पावर ए बी है। अब देखिए दोनों के दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये साचर्य नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार फिफ्थ पॉइंट है, जेड पॉजिटिव है, ए संक्रिय बी बराबर ए की पावर बी दिया गया है। अब ए की पावर बी यानी कि देखो पहले की पावर दूसरा है, पहले की पावर में दूसरा है, तो बी संक्रिया ये क्या हो जाएगा, पहले की पावर में दूसरा यानी कि बी की पावर ए। अब देखिए क्लियरली दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्रम विलय में नहीं हो सकता। अब ए संक्रिया बी संक्रिया सी, पहले की पावर में दूसरा, तो ए तो एज इट इज रहा, बी की पावर में सी आ गया। अब ये पहला और ये पूरा का पूरा दूसरा, तो क्या आ जाएगा, पहले की पावर में दूसरा, तो ए की पावर बी की पावर सी हो गया। नाउ ए संक्रिया बी और संक्रिया सी, तो ए की पावर में बी आ जाएगा, ए की पावर में बी आ गया। फिर ये पूरा पहला ये दूसरा, तो ए की पावर बी की पावर में सी आ जाएगा। तो अगर ए की तो पावर पहले से ही है बी, तो बी की और सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए की पावर बी इंटू सी हो गया। देखिए दोनों के दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, अर्थात ये साचर्य नहीं रहा। इसी का सिक्स पॉइंट है, आर माइनस माइनस वन में ए संक्रिया बी बराबर दिया है ए अपॉन बी प्लस वन। देखो पहले की अपॉन में दूसरा दिया है और प्लस के साथ वन है, पहले के अपॉन में दूसरा और उसके साथ प्लस वन, तो ए संक्रिया बी बराबर आ गया ए अपॉन बी प्लस वन। अब इसी प्रकार से बी संक्रिया निकालें, तो पहला ऊपर आ जाएगा और दूसरा नीचे, उसके साथ वन ऐड हो जाएगा, और दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्रम विलय में नहीं रहा। अब इसी की साहचर्य की जाँच करें, तो साहचर्य के लिए देखें हमारे पास दिया है ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो यह आ जाएगा ए तो एज इट इज रहा ए संक्रिया, पहला ऊपर और दूसरे के साथ वन ऐड हो गया, नीचे आ गया, तो बी अपॉन सी प्लस वन हो गया। अब ये पहला हो गया और ये पूरा का पूरा दूसरा हो गया, तो ए अपॉन बी अपॉन सी प्लस वन, बी अपॉन सी प्लस वन और इसके साथ क्या हो गया, वन ऐड हो गया। इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा एलसीएम लेके सी प्लस वन यहाँ एलसीएम लूंगा तो उसके ऊपर ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए इंटू सी प्लस वन, ये बी प्लस सी प्लस वन की वन के साथ मल्टीप्लाई, तो सी प्लस वन हो गया, ये हमारे पास वैल्यू मिली। अब ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो ए के अपॉन में बी और प्लस वन हो गया, फिर ये पहला और ये दूसरा, तो इसके अपॉन में ये सी आएगा, इस पूरे के अपॉन में सी आएगा, तो ए अपॉन बी प्लस वन होल अपॉन सी और प्लस वन हो गया। इनकी मल्टीप्लाई कर लें, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन। देखिए क्लियरली दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब संक्रिया साचर्य नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए निम्नतम बी बराबर या ए संक्रिया बी बराबर निम्नतम ए कोमा बी दिया है। ये संक्रिया है, संक्रिया का साइन बदल गया, संक्रिया का साइन बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम वो एक जैसा साइन बनाए, ये साइन ऐसा भी हो सकता है जैसा भी क्वेश्चन में आपके दिया गया होगा, हर बार उसका मतलब अलग होगा, और मतलब वो बताएगा क्या है कि यहाँ पर ए संक्रिया बी बराबर है निम्नतम ए कोमा बी, यानी कि ए और बी में जो निम्नतम होगा, जो छोटा नंबर होगा, द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए, संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। देखिए समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 और ए संक्रिया बी बराबर निम्नतम ए कोमा बी दिया है। अब सारणी जो बनाते हैं तो सारणी इस प्रकार से बन जाएगी, देखिए सारणी का साइन हमारे पास संक्रिया का चिन्ह आ गया, ऊपर समुच्चय आ गया 1 2 3 4 5 ए के लिए, नीचे समुच्चय आ गया 1 2 3 4 5 बी के लिए, क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों ही इसी समुच्चय में बिलोंग करते हैं। अब 1 1 जोड़े बनाते हैं, 1 1 यानी कि ए कोमा ए या बी कोमा ए, कैसे भी लिख सकते हैं, तो ए कोमा ए, ए कोमा ए उसने कहा, ए सॉरी ए कोमा बी। अब देखिए ए कोमा बी इन दोनों में निम्नतम कौन है, दोनों ही इक्वल है 1 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 1 2, 1 और 2 में निम्नतम कौन है, 1, 1 और 3 में निम्नतम कौन है, 1, 1 और 4 में निम्नतम कौन है, 1, और 1 और 5 में निम्नतम कौन है, 1। ये इस प्रकार से संक्रिया चल रही है कि 1 और ये निम्नतम 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 1, क्योंकि इन दोनों में निम्नतम कौन है, 1 ही रहा। फिर 1 की संक्रिया हम जांच करेंगे 2 के साथ, तो 1 संक्रिया 2 इक्वल, अब देखिए संक्रिया का मतलब क्या है कि इन दोनों में निम्नतम, तो दोनों में निम्नतम कौन है, 1, तो ये आ गया 1। फिर 1 3, 1 संक्रिया 3 और रिजल्ट 1, तो इस प्रकार से हमें 1 4 1 मिला, 1 5 1 मिला। अब 2 का चेक करते हैं इन सभी पांचों के साथ, तो 2 संक्रिया 1 रिजल्ट 1 रहेगा क्योंकि निम्नतम इनमें 1 है, 2 संक्रिया 2 इक्वल है इसलिए 2 आ गया, 2 संक्रिया 3 2 रिजल्ट मिलेगा, 2 संक्रिया 4 का रिजल्ट 2 रहा, और 2 संक्रिया 5 का रिजल्ट भी 2 आ गया। अब ऐसे ही 3 की जांच करें, 3 संक्रिया 1 3 1 हो गया, और 3 संक्रिया 2 2 मिला, और 3 संक्रिया 3 3 और 3 संक्रिया 4 3 3 संक्रिया 5 3 ऐसे ही 4 संक्रिया 1 1 4 संक्रिया 2 2 और 4 संक्रिया 3 3
फोर संक्रिया फोर फोर, फोर संक्रिया फाइव फोर मिला। फिर फाइव की जांच करें, फाइव संक्रिया वन वन, फाइव संक्रिया टू टू, फाइव संक्रिया थ्री थ्री, और फाइव संक्रिया फोर फोर, और फाइव संक्रिया फाइव फाइव मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या हुई है, अभीष्ट सारणी प्राप्त हुई। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा कि समुच्चय एक दो तीन चार पाँच में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए तथा कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उनका हमें जवाब देना है। तो सबसे पहले सारणी क्या दी गई, सारणी को देख लेते हैं। सारणी में इस प्रकार है, संक्रिया का साइन बना है और वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव अभी अब लिखे हैं, और वन संक्रिया वन वन दिया है, वन संक्रिया टू वन, वन संक्रिया थ्री वन, वन संक्रिया फोर वन, वन संक्रिया फाइव वन, ऐसे ही सभी के हमें अवयव दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था टू संक्रिया थ्री संक्रिया फोर, इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो टू संक्रिया थ्री संक्रिया फोर, टू और थ्री पर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब सबसे पहले टू संक्रिया थ्री सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से रिजल्ट देखते हैं, टू संक्रिया थ्री क्या रिजल्ट दिया है, वन, तो टू संक्रिया थ्री हो गया वन। फिर संक्रिया फोर एज इट इज रहा, अब देखिए वन संक्रिया फोर हो गया, वन संक्रिया फोर रिजल्ट क्या रहा, वन, तो उत्तर मेरा वन प्राप्त हुआ। फिर इसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है टू संक्रिया थ्री संक्रिया फोर, तो टू संक्रिया थ्री संक्रिया फोर, अब इस बार थ्री और फोर पर हमारा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले थ्री संक्रिया फोर, थ्री संक्रिया फोर, थ्री संक्रिया फोर ये रहा वन, तो वन आ गया, थ्री संक्रिया फोर का वन आ गया, टू संक्रिया एज इट इज रहा, तो टू संक्रिया वन, टू संक्रिया वन इसका उत्तर भी वन ही है, तो वन मिल गया। फिर उसने पूछा क्या संक्रिया क्रम विनय में है, इसकी जांच कर लेते हैं। अब देखिए टू संक्रिया वन वन है, फिर वन संक्रिया टू वन मिला, तो देखिए दोनों क्या मिले, बराबर रिजल्ट मिले ना, वन संक्रिया टू निकाला वो भी वन आया, टू संक्रिया वन निकाला वो भी वन आया, यानी कि दोनों ओर से बराबर मिले, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्रम विनय में संक्रिया है, चूंकि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया है, तो अतः संक्रिया क्रम विनय में। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट पूछा टू संक्रिया थ्री संक्रिया फोर संक्रिया फाइव का परिकलन कीजिए, तो टू संक्रिया थ्री और फोर संक्रिया फाइव और इनका ब्रैकेट है, तो पहले इसको और इसको सॉल्व करेंगे, फिर संक्रिया को इसको सॉल्व करेंगे। तो टू थ्री, टू संक्रिया थ्री क्या है वन, फिर फोर संक्रिया फाइव, फोर संक्रिया फाइव वन, अब क्या बचता है वन संक्रिया वन, वन संक्रिया वन, रिजल्ट वन, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ इसी का क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय वन टू थ्री फोर फाइव में एक द्विआधारी संक्रिया ए संक्रिया बी बराबर ए तथा बी का एच सी एफ द्वारा परिभाषित है, एच सी एफ दिया है, क्या संक्रिया उपर्युक्त प्रश्न चार में परिभाषित संक्रिया के समान है, यानी कि जो हमें टेबल दी गई थी क्या ये और इसकी टेबल और इसकी टेबल एक जैसी ही बनेगी, अपने उत्तर का औचित्य ही बतलाइए। तो उत्तर का औचित्य तभी बतलाया जा सकता है अगर मैं इसकी टेबल बनाऊँ, तो मुझे क्या करना है, इसकी एक टेबल बनानी है सारणी, अगर वो सारणी सारणी से मैच हो जाती है, इसका मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर चार की सारणी ही एक जैसी थी। तो इसी में देखते हैं, यहाँ हमारे पास समुच्चय दिया है वन टू थ्री फोर फाइव और संक्रिया ए संक्रिया बी बराबर ए और बी का एच सी एफ, संक्रिया आ गई वन टू थ्री फोर फाइव, ये वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन संक्रिया वन, देखिए वन और वन का एच सी एफ क्या होगा, वन संक्रिया वन, वन और वन का एच सी एफ क्या होगा, वन होगा, ऐसे ही वन और टू का एच सी एफ क्या होगा, वन रहेगा। एच सी एफ मतलब जो कॉमन वैल्यू आ जाए वही रहेगी, या मिनिमम जो हम कह सकते हैं कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या रहेगा, फिर वन संक्रिया थ्री वन रहेगा, वन संक्रिया फोर ही वन रहेगा, और वन संक्रिया फाइव भी वन रहेगा, ऐसे ही टू संक्रिया वन वन होगा, टू संक्रिया टू टू हो जाएगा, टू संक्रिया थ्री वन हो जाएगा, टू संक्रिया फोर टू मिलेगा, टू संक्रिया फोर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, टू और फोर का टू रहेगा, फिर टू संक्रिया फाइव वन मिला, ऐसे ही थ्री संक्रिया वन थ्री वन हुआ, थ्री संक्रिया टू वन हुआ, और थ्री संक्रिया थ्री थ्री, थ्री संक्रिया फोर वन, और थ्री संक्रिया फाइव वन, इनमें कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं मिलता वन के अलावा, तो क्या रहा, फिर फोर संक्रिया वन वन, फोर संक्रिया टू टू, इन दोनों का टू मिल गया, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू है, टू एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये टू भी आता है ये फोर भी आता है, फिर फोर संक्रिया थ्री वन हो गया, फोर संक्रिया फोर फोर मिल जाएगा, और फोर संक्रिया फाइव वन, ऐसे ही फाइव संक्रिया वन वन, फाइव संक्रिया टू वन, फाइव संक्रिया थ्री वन, और फाइव संक्रिया फोर वन, और फाइव संक्रिया फाइव फाइव मिला। अब देखिए अगर आप इस सारणी को क्वेश्चन नंबर चार की सारणी से मिलाएं तो ये दोनों की दोनों सारणी एक ही जैसी हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह सारणी प्रश्न चार की सारणी के ही समान है। ना क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा मान लीजिए कि एन में एक द्विआधारी संक्रिया ए संक्रिया बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है,
तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, 5 संक्रिया 7 और 20 संक्रिया 16, इसको ज्ञात करना है, और ऐसे ही आगे के पॉइंट्स हैं। तो इसी का फर्स्ट पार्ट है, 5 संक्रिया 7 5 संक्रिया 7 दिया है, तो किस प्रकार परिभाषित है दोनों का एलसीएम, तो इनके 5 व 7 का एलसीएम। अब देखिए 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 35, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया 5 संक्रिया 7 का वो 35 मिला। फिर 20 संक्रिया 16 20 और 16 का एलसीएम, 20 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 80 मिलता है, तो ये दोनों का संक्रिया रिजल्ट क्या मिला, 80। इसी का सेकेंड पार्ट, उसने कहा क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, बिल्कुल क्रम विनिमय होगी। देखिए आप किन्हीं भी दो अवयवों का एलसीएम लें तो वो आप क्रम बदल देंगे तब भी एलसीएम वही रहेगा, अगर ए और बी का एलसीएम जो आएगा वही बी और ए का भी एलसीएम प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या रही, एक क्रम विनिमय संक्रिया हुई। इसी का थर्ड पार्ट, एन के कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, और फोर्थ है क्या संक्रिया सहचर्य, इसको बाद में करेंगे थर्ड को, हम पहले फोर्थ करते हैं, क्या संक्रिया सहचर्य है, तो क्या संक्रिया सहचर्य है, सहचर्य के लिए जांच करें, तो ये लिखा है ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो बी और सी की बात करें तो बी और सी मतलब बी और सी का एलसीएम, बी तथा सी का एलसीएम। अब ए संक्रिया है तो ए संक्रिया और ये पूरा, तो इन सब के साथ भी एलसीएम तो निकलना है, तो ए बी सी तीनों का एलसीएम। ऐसे ही ए संक्रिया बी संक्रिया सी, यहाँ पर ही मतलब वही रहा, आप ए और बी का एलसीएम निकालें फिर उसके साथ सी का एलसीएम निकालें, तो ए बी सी का एलसीएम, देखिए तीनों के तीनों दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इक्वल ही होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि संक्रिया सहचर्य है। अब इसी का हमें फिफ्थ पार्ट दिया है, उसने कहा कि संक्रिया में तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव से मतलब क्या रहा, तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होगा जिसकी संक्रिया के साथ अगर रखा जाए, देखिए हमने 1 संक्रिया A किया या ए संक्रिया 1 किया तो दोनों से ही रिजल्ट मुझे क्या मिला, ए मिला, तो तत्समक अवयव हम ई से डिनोट करते हैं, एक ऐसा अवयव होगा अगर उसे उसकी संक्रिया किसी अवयव के साथ की जाए तो वो अवयव गायब हो जाए, यानी कि वो संक्रिया जो तत्समक अवयव लिया था वो गायब हो जाए, हमने जो अवयव था वही हमें प्राप्त हो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ई संक्रिया ए बराबर ए संक्रिया ई बराबर ए ही आना चाहिए। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल के लिए ए को रिप्लेस कर दूँ 5 से या 6 से 4 कोई भी नंबर ले लें, तो हम अगर 1 और 4 का एलसीएम निकालें तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा, 4 ही आएगा, फिर 4 और 1 का एलसीएम निकालूँ तो वो भी 4 ही आएगा, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, देखिए 1 दोनों बार क्या हुआ, गायब हो गया, तो मुझे जो रिजल्ट था वो 4 ही मिला, यानी कि ए ही मिलता है, तो ए क्या हो? तो ये 1 क्या हुआ, इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का काम करेगा, 1 इस संक्रिया के लिए। हर संक्रिया के लिए तत्समक अवयव अलग अलग होता है, कुछ ऐसा होगा कि संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है ही नहीं, ऐसी बहुत सारी संक्रियाएं आएंगी जिनके लिए तत्समक अवयव होगा ही नहीं। अब इसी का जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में उसने कहा था कि एन के कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय मतलब प्रतिलोम। देखिए एन संक्रिया एन से एन संक्रिया एलसीएम द्वारा परिभाषित है, अब यदि ए बराबर 1 ले लें और बी बराबर 1 तो क्या होगा, ए संक्रिया बी बराबर 1 संक्रिया 1 इक्वल 1, यानी कि एक और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 के लिए संक्रिया क्या है, व्युत्क्रमणीय है। आप ए संक्रिया बी रखें या बी संक्रिया ए रखें, 1 संक्रिया 1 या 1 संक्रिया 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 ही प्राप्त होगा, अर्थात 1 के लिए संक्रिया व्युत्क्रमणीय है, ऐसा और कोई अवयव हमें प्राप्त नहीं होगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए संक्रिया बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। सेम वही क्वेश्चन हो गया जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया है, समुच्चय भी वही दिया है और संक्रिया भी वही दी है, तो जाहिर सी बात है ये संक्रिया क्या होगी, एक द्विआधारी संक्रिया होगी ही होगी। अब देखते हैं होगी या नहीं होगी, तो माना ए बराबर 1 2 3 4 5 दिया है और संक्रिया ए संक्रिया बी बराबर ए और बी का एलसीएम दिया है। अब देखिए द्विआधारी संक्रिया होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, कि मैं ए और बी के जो भी अवयव यहाँ से उठाऊंगा उनका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि संक्रिया करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी इसी समुच्चय में पाया जाना चाहिए, अगर इस समुच्चय में नहीं पाया जाता तो वो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो देखिए संक्रिया का क्रम विनिमय सहचर्य होना अलग चीज़ है और द्विआधारी होना अलग चीज़ है। यहाँ हमने ए और बी के वैल्यू यहाँ से 3 और 4 उठाई, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, देखिए 12 इसमें नहीं है। फिर हमने 2 और 3 ली, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, वो भी इसमें नहीं है, तो यानी कि 12.6 समुच्चय ए में नहीं है, अतः द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर